हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C20 प्लस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को आप ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड का, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा टच साउंड। टच साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अभी टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अपने फोन पे किसी भी पेज पे होंगे या फिर किसी भी ऐप के अंदर होंगे, अगर आप किसी भी ऑप्शन या किसी भी बटन को अगर आप टच करेंगे ना, तो आपके फोन से कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा, यानी कि साउंड की आवाज़ नहीं आएगी आपके फोन से टच करने पर, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना टच साउंड सेटिंग डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे आप ये टच साउंड सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहां पर सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम टच साउंड, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड एक ऑप्शन शो हो जाएगा ये वाला टच साउंड का। यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है ना टच साउंड, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।